Hello everyone, I am Namita and welcome to my channel Salt Pepper and Magic. Today I am going to make Jodhpur ki famous प्याज की कचौरियाँ। यहाँ एक बोल में मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून कैरम सीड्स डाल रही हूँ, अजवाइन, एंड 1/4 कप ऑयल डाल रही हूँ मैं इसमें। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें पानी डाल के मैं इसका एक डो तैयार कर लूँगी। डो ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, नॉर्मल डो बनाना है हमें इसका। कचौरियों के लिए डो अब रेडी हो गया है। अब मैं इसको 1/2 आवर के लिए ऐसे ही ढक के रख दूँगी। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच सौंफ, खड़ा धनिया और जीरा लिया है, जिसको मैंने क्रश करके लिया है। अब मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। ये मैंने क्रश करके इसलिए लिया है क्योंकि जनरली हम रोस्ट करके क्रश करते हैं, बट मैंने यहाँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए पहले इसको क्रश कर लिया है, उसके बाद मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। अब मैं इन भुने मसालों में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें यहाँ ज़ौफ हींग डाल रही हूँ, 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर, 3 ग्रीन चिली चॉप्ड, 1/2 टीस्पून ज़ौफ चिली पाउडर डाल रही हूँ, ज़ौफ टर्मरिक पाउडर, 1 चम्मच नमक, 3 बड़े प्याज चॉप करके लिए हैं, अब वो इसमें डाल रही हूँ मैं। प्याज यहाँ थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डालूंगी। अब मैं इसमें 2 बड़े उबले आलू डाल रही हूँ। आलू हम इसको कचौरी की बाइंडिंग के लिए डालते हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ और एट लास्ट मैं इसमें ज़ौफ गरम मसाला डाल रही हूँ, 1 टीस्पून। बस अब इसको मिक्स करके मैं इसमें धनिया डालूंगी और ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। हमारा आटा भी यहाँ रेडी हो गया है, तो अब मैं कचौरियाँ बनाना शुरू करूँगी। ऐसे ही हम यहाँ सारी कचौरियाँ रेडी कर लेंगे। अब हम यहाँ कचौरियाँ तलेंगे और कचौरी तलने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है कि कचौरी के लिए तेल बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब मीडियम हीट पे होना चाहिए वो। अगर तेल हाई फ्लेम पे होता है तो जो कचौरियाँ हैं उनमें बबल आ जाते हैं, और अगर हम लो फ्लेम पे कचौरियाँ डालते हैं तो उसमें बबल्स नहीं आते हैं। और इन कचौरियों को हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ये देखिए कचौरियाँ हमारी एक साइड से सिक गई हैं, अब हम इसको पलट देंगे।
गाइस आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कचौरियाँ आप लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होंगी। ये हमारी कचौरियाँ यहाँ बिल्कुल अच्छे से सिक गई हैं। अब मैं इसको तेल से बाहर निकाल लूँगी। कचौरियों को आप ग्रीन चटनी, सॉल्ट या केचप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। अब मैं आपको एक कचौरी तोड़ के दिखाती हूँ। गाइस आप ये कचौरियाँ ज़रूर बनाएं, आपको जोधपुर का बिल्कुल टेस्ट मिलेगा इसमें। आप इसको ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं। मैं जनरली इसको ब्रेकफास्ट में ही बनाती हूँ। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।